एवरीवन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में ये आएगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमारा जो है फ्यूल प्रेशर, तरल दाब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद हम सीखेंगे क्या, क्योंकि हम करते हैं कम समय में ज़्यादा तैयारी और आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनते हैं और पूरा प्रैक्ट पे जो आपका रिवीजन हो जाएगा चैप्टर, और उसके बाद हम करवाएंगे आपके मैकेनिक्स कंप्लीट होने के बाद हम आपके कराएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होंगे, उसके बाद हम कराएंगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट फार्मूले करवाएंगे। क्योंकि मेरा मकसद है कि एक तरीके से सीरियल वाइज तैयारी हो, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि मतलब कि आपको बोरिंग सा महसूस ना हो। इसकी वजह से आज हमारा जो चैप्टर है ये हमारा फील्ड प्रेशर है, ये हमारा चैप्टर 13 चैप्टर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपने भी प्लेलिस्ट में जाइए और फिजिक्स की पूरी वीडियो पढ़ी है उनको वॉच करिए मैकेनिक्स की। और आप सभी को बता दें कि आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ समझिए और आपको कमेंट करें, पीडीएफ का नोटिफिकेशन पाएँ और लिंक टेलीग्राम का दिया है उसको ज्वाइन करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक, डिस्कशन कर लें इसको भी। लेट्स स्टार्ट टॉपिक। जो गाइस हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा तरल दाब का जो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, द्रव तथा गैस दोनों तरल पदार्थ हैं। क्या द्रव तथा गैस दोनों तरल पदार्थ हैं? ये द्रव और गैस ये दोनों लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल ने लिक्विड पदार्थ हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे दाब। अब दाब की बात करते हैं, मतलब कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहते हैं, मतलब कि एक एरिया है, ठीक है, उस पर लगने वाला अभिलंबवत, ये इसे एकांक एरिया, ठीक है, इस पर लंबवत, ये लंबवत बल लग रहा है लंबवत। अब इसमें लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं। अब यहाँ से जो बल लग रहा है लंबवत, इसमें जो लग रहा है ये लगने वाला बल को दाब कहते हैं। तो इसीलिए दाब बराबर लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। क्या? लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। दाब जो हमारा इसको प्रेजेंट करते हैं पी से और बल हमारा एफ और ए। अब हम बात करते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी और इसकी जो क्वांटिटी कौन सी होगी। तो जो इसकी एसआई यूनिट होगी ये होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या? एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एफ का जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन होती है। और एरिया जो ए लिखा है ये एरिया क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। क्या? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। जो क्वांटिटी है ये स्क्वेलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। जो इसकी डायमेंशन निकलेगी क्या निकलेगी? एम की पा एम एल, क्योंकि जो बल की हमारी डायमेंशन होती है या एम एल टी की पावर माइनस टू। उसके बाद जो मीटर स्क्वायर की होगी एल स्क्वायर, जो हमारी डायमेंशन बच गया वो आएगी एम एल इनवर्स टी की पावर माइनस टू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक बार बराबर, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एक बार बराबर कितने होते हैं। तो जो एक बार बराबर होता है ये 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है मिश्रण का घनत्व। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है मिश्रण के घनत्व का, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। दो द्रव जिनके घनत्व क्रमशः रो वन और ईटा रो वन और रो टू है, ठीक, मिलाकर बनाए जाते हैं, तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा? तो मिश्रण का घनत्व ईटा बराबर होगा 2 रो वन रो टू अपन रो वन प्लस रो टू। मतलब कि दो द्रव हैं जिनके घनत्व ये दिए हैं रो वन रो टू, मिलाकर बनाए जाते हैं, तो इनका मिश्रण घनत्व क्या होगा? तो रो बराबर होगा 2 रो वन रो टू अपन रो वन प्लस रो टू। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रणोद क्या होता है। जो प्रणोद होता है हमारा ये होता है दाब इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब कि जो एक एरिया में जो उसमें दाब होता है, एक क्षेत्रफल जैसे होता है उसमें जो दाब होता है, मतलब कि दाब इस एरिया के भीतर दाब लगा जाता है, जब कोई चीज़ अंदर सिमट जाती है उसी को प्रणोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रणोद। आप याद रखिएगा प्रणोद बोलते हैं। अब उसके बाद करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो घनत्व होता है ये द्रव्यमान इंटू वेग पर निर्भर करता है। किसमें? द्रव्यमान बटे आयतन। जो हमारा घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान की जो विमा होती है, ये द्रव्यमान एम होता है, एम से डिपेंड करते हैं, इसको केजी लिख सकते हैं, आयतन को क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब। क्या? मीटर क्यूब। इसकी जो हमारा मीटर फार्मूला होगा केजी मीटर के पावर माइनस थ्री। जो डायमेंशन हमारी क्या होगी? तो जो डायमेंशन हमारी होगी इसकी डायमेंशन होगी एम एल की पावर माइनस थ्री। क्या? एम एल की पावर माइनस थ्री, ये डायमेंशन होगी। नेक्स्ट है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? मतलब किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व को अनुपात होता है। मतलब कि आपेक्षिक घनत्व जो होता है ये किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, पदार्थ के घनत्व जो मतलब कि जो पदार्थ होता है उसका घनत्व और जल के घनत्व को अनुपात होता है, वो आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। जैसे पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व,
नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉ ऑफ पास्कल, मतलब कि जो पास्कल का नियम होता है वो क्या हमारा पास्कल का नियम होता है। जो पास्कल का नियम होता है तो पास्कल का नियम अनुप्रयोग हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रेस साथ में किया जाता है। जो पास्कल का लॉ नियम होता है ये आप याद रखें कि पास्कल का जो नियम लगता है ये द्रवदाब में लगता है, द्रवदाब में लगता है। इसके बाद ये जो अधिकतर युद्ध होता है ये हाइड्रोलिक ब्रेक, मतलब जिसमें हाइड्रो नाम का शब्द आ जाए उसमें समझ लेना कि आप पास्कल का ला लगता है, क्या पास्कल का नियम लगता है अगर जिसमें हाइड्रो शब्द आपको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जैसे द्रवदाब, मतलब कि पास्कल का नियम ये भी होता है, जैसे कोई हाइड्रोलिक मतलब कि ब्रेक होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, ये सब होती नहीं आप गाड़ियों में सुनते हैं जिसमें आपका मोबाइल भरा होता है, द्रव भरा है जिसको लिक्विड बोलते हैं, उसके बाद जो पाइप पड़ा होता है उसके अंदर ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह से हाइड्रोलिक लिफ्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्प्लावन बल की बात करते हैं, उत्प्लावन बल वो होता है जो बल के बल पदार्थ द्वारा हटाए गए द्रव का घनत्व, क्या हटाए गए द्रव ने में गुरुत्व केंद्र कार्य करता है, उसे उत्प्लावन केंद्र करते हैं। मतलब कि बल पदार्थ के द्वारा हटाए गए द्रव में गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन केंद्र क्या होता है, TH बराबर प्रोपोर्शनल मतलब कि आयतन के समानुपाती बल होता है। जो उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल वो आयतन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्प्लावन बल का बल आयतन पर निर्भर करता है, कहाँ निर्भर करता है, उत्प्लावन बल जो हमारा होता है ये आयतन पर निर्भर करता है ना कि द्रव्यमान आवृत्ति और घनत्व, मतलब कि ये जो होता है आयतन पर निर्भर करता है ना ही कि द्रव्यमान घनत्व और आवृत्ति आकृति पर निर्भर करता है। जैसे तैरने का सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, किसका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, और इसको भी न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम बोलते हैं तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज का एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है, वो एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है, तैर सकती है जब उसके डूबे हुए भाग के द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर हो, मतलब कि जब एक वस्तु है वो द्रव में तैर सकती है लेकिन उसके डूबे हुए भाग को हटाए गए द्रव के भाग के बराबर हो तब वो वस्तु तैर सकती है। नेक्स्ट है जैसे क्षेत्र, यदि क्षेत्रफल को चौथाई हो जाए तो दाब क्या होगा, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसी वजह से जैसे अब हमारा क्या कह रहा है क्षेत्रफल चौथाई हो जाए, तो इसीलिए हमने क्या इसमें रखा है बल पी बराबर, दाब पी बराबर एफ ऑफ वन, क्षेत्रफल की जगह 1/4 रखा जिसकी वजह से ये हो गया पी बराबर 4 एफ, तो इसलिए 4 गुना हो जाएगा, क्या 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, द्रव व ठोंसों का घनत्व, जो द्रव और ठोंसों में घनत्व होता है, तैरते हुए ठोंस का भार बराबर हटाए गए द्रव का भार, क्या तैरते हुए ठोंस का भार बराबर हटाए गए द्रव का भार, ये होता है V1 रो वन थीटा वन इंटू की जी, V2 थीटा टू टीचर, इसका मतलब थीटा वन इंटू थीटा टू अपन V2 बटे V1, मतलब ठोस का घनत्व बटे द्रव का घनत्व बटे ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे कुल ठोस के कुल भाग का आयतन। यही से हमारा चैप्टर होता है एंड, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, PDF भी पाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।